नमस्कार मित्रों, हम संकल्प कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो अमन के घर पर राजस्थान पुलिस पहुंची और इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच सवाल इस दौरान खड़े भी हो रहे हैं, क्योंकि किसी तरह आपके बुलडोजर अवतार की तस्वीर है जो राजधानी दिल्ली थोड़ा संकल्प तो आप देख रहे हैं, लेकिन अरे राहुल बाबा चिंतन शिविर, अरे देखिए आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है, और ये उनके आंकड़े हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। अबे कैसी कैसी बातें कर रहा है ये इंसान, है रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अबे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, फिट इन इंडिया किसने बनाया है? 70 साल में जो काम तुम लोग ने नहीं किया, 7 साल के अंदर कर दिया, 100 यूनिकॉर्न बना दिए, और तुम कह रहे हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गए। अबे अगर रीढ़ की हड्डी टूटने पर आई और तोड़ने पर आई ना, तो भक्त बनर्जी सबसे सामने खड़ा है। हड्डी की स्पेलिंग याद नहीं आएगी, रीढ़ की हड्डी तोड़ा है। आने वाले समय में इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा, और जो हमारा जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते थे, खतरा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अरे नेहरू जिम्मेदार है इसके लिए। महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। अबे 1947 से दिखाओ ना, $1 = $1, किसने खराब किया हमारा इक्वेशन है? वो नहीं बताओगे, महंगाई अब बढ़ गई है। तुम्हारे 70 साल में तो महंगाई थी नहीं। अरे नेहरू अगर पॉपुलेशन पहले ही कंट्रोल कर देते, ये सबको भगा देते बाहर, तो ये आज दिखना नहीं पड़ता इतना बड़ा बोझ मोदी जी अपने सर पे कंधे पे लेके चले गए हैं। जिम्मेदार कौन है? मगर हमारी भी एक जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी जो विचारधारा की लड़ाई है उसको लड़ने की है, और जनता के साथ खड़े होने की है। बा राहुल बाबा, अरे जनता के साथ तुम क्या खड़े होगे हैं? अरे जनता तो हमारे साथ है, विचारधारा हमारे साथ है, लाठी हमारे पास है, भैंस भी हमारे पास ही है। अरे जाओ तुम छुट्टी उट्टी करने जाओ, जनता के सामने खड़े हो, तुम छुट्टी के साथ खड़े रहो हैं, तुम स्ट्रेस मत लो राहुल बाबा, स्ट्रेस मत लो। जो हमारा पहले उनके जनता के साथ कनेक्शन होता था, जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। करो उस कनेक्शन को, हमें फिर से बनाना पड़ेगा। कनेक्शन तो भक्त बनर्जी ने ऐसा काटा है, 70 साल तक कनेक्शन नहीं जोड़ पाएगा। अरे राहुल बाबा ये सब कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तुम क्या सोच रहे हो ऐसे ही बैठे हुए हैं? हैं? हमारे अर्णव, सुधीर, नाविका, रूबिका हैं? अरे इतना बिस्कुट, मेरा मतलब इतना देश का नमक खाया है, अबे जनता के साथ तो कनेक्ट उनका है, तुम कहां से आ जाओगे बीच में? मैं बता रहा हूं, जो सोचता है कि शॉर्टकट करके ये काम किया जा सकता है, ये काम शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता है, ये काम पसीने से ही किया जाएगा, बिना पसीने नहीं किया जाएगा। बाबा राहुल बाबा, अरे हम भी ताली बजाएंगे इस पे, ताली ताली राहुल बाबा, इस पे तो हम भी ताली बजाएंगे। शॉर्टकट से काम नहीं होता है पॉलिटिक्स में, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से काम नहीं होता है, वेकेशन पॉलिटिशियन से काम नहीं होता है। 18-18, 20-20 घंटे लगाने पड़ते हैं, 20-20, 30-30 साल लगाने पड़ते हैं, तब जाकर कुछ होता है। और ये सब काम कौन करता है? हमारे सुप्रीम लीडर करते हैं ना, है? शॉर्टकट नहीं होता राहुल बाबा, अब आप बात मान गए हो। अरे शॉर्टकट ना यहां होता है, देखो विदेश भी जाते हैं ना, कितना काम करते रहते हैं, एरोप्लेन में काम करते हैं, मीटिंग के समय काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, शाम को काम करते हैं, रात को काम करते हैं, फ्लाइट से लैंड होने के बाद काम करते हैं, छुट्टी वुट्टी नहीं करते हैं, तो काम तो बहुत करना होगा, तुमसे ना हो पाएगा। अरे राहुल बाबा पानी चला जाएगा, नहा लो जल्दी से जाकर, जाओ जाओ जाओ। ये संगठन जनता से ही निकला है, तो हमें एक बार फिर जनता के बीच में जाना है।
go to the people of India and spend not one day, 2 days, but months with the people of India. Understand what the people of India want and what the people of India are saying. What the peoples of India want? What the peoples of India are saying? अरे राहुल बाबा, हमको तो पहले ही मालूम है what the people of India want. हमको तो पहले ही मालूम है what the people of India are saying. अरे वो खतरे में हैं, उनको बचाना चाहिए. हम बचा रहे हैं उनको खतरे से, इनसिक्योरिटी से हम बचा रहे हैं. तुम क्या कर रहे हो राहुल बाबा, ये समझा करो ये सब चीजें. और ये जो मंथ्स की बात कर रहे हो ना, अरे 4 दिन तो यार तुम रस्ते पर नहीं आते हो, तुम महीने महीने कहां जाओगे यार. तुम्हारा समर ब्रेक होगा, विंटर ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो कैसे काम चलेगा राहुल बाबा, ऐसे नहीं काम चलेगा. 24 महीने में 2024 इलेक्शन कमिंग एंड यू आर आस्किंग पीपल फाइंड व्हाट पीपल आर सेइंग. अरे यार तुम्हें इतना ही नहीं मालूम है लोग चाहते क्या है. आई एम योर फैमिली, यू आर माई फैमिली. आई डोंट सी यू, और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं. आप हम परिवार हैं, और मैं सिर्फ आपके नहीं, यहाँ 500-600 लोग हैं, मगर मैं हर कांग्रेस के नेता की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं. ये एक परिवार है. ओह एडिटर, एडिटर एक टिश्यू देना, टिश्यू. आई एम योर फैमिली, यू आर माई फैमिली. मरे आई एम योर फैमिली, यू आर माई फैमिली. फैमिली का पार्टी, मैंने फैमिली की पार्टी. आए राहुल बाबा, इट इज ऑल इन द फैमिली. क्या बात है, मास्टर स्ट्रोक राहुल बाबा, मास्टर स्ट्रोक. राहुल बाबा ये जब आप लोग करते हो तो ठीक है, और यही चीज जब हमारे सुप्रीम लीडर करते हैं तब आप कहते हो कि गलत है. अरे हम क्या कर रहे हैं, आपने कहा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया. हम कह रहे हैं इंडिया इज सुप्रीम लीडर, सुप्रीम लीडर इज इंडिया. तो आप लोग को इसमें क्या कष्ट है. पर हम एक ही चीज तो कर रहे हैं राहुल बाबा, गिव मी हार्ट राहुल बाबा. मगर मैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, और कांग्रेस के नेता को कहना चाहता हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं. आपको घबराने की कोई जरूरत. सुना सुना लग रहा है ये कहीं. एडिटर वो प्लेकर कौन है वो. अरे वही क्रिकेटर, पॉलिटिशियन. प्लेकर इमरान प्लेकर भाई. आपने सबसे पहले घबराना नहीं है. डिट्टो, आपको घबराना नहीं है. ये भाषा इंटरनेशनल भाषा है, पाकिस्तान की भाषा यहां बोली जा रही है. राहुल बाबा ये देखो, ये इसीलिए लोग नहीं पसंद करते हैं आपको, इसीलिए इंटरनेशनल बोलते हैं, इसीलिए. कोई चांस नहीं आपका. गलत शब्द का प्रयोग किया राहुल बाबा, अपोलोजाइज. बॉयकॉट राहुल. मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, एक रुपया नहीं लिया है, मुझे कुछ कोई डर नहीं. मैं बिना डरे मैंने भारत माता से एक पैसा नहीं लिया है. अरे 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 राहुल बाबा, वो जनता को ध्यान से सुनो, जनता क्या कह रही थी पीछे. पार्टी वाले आपके खुद ही कह रहे थे पीछे, मुझे सुनाई दिया, पीछे से आवाज आ रही थी, बोफोर्स की आवाज आ रही थी पीछे से. पैसा नहीं लिया, अभी खुलवा दे. वो तो मोदी जी ने फाइलें नहीं खुलवा के रखी है, अभी खुलवा दे तुम्हारे खिलाफ बोफोर्स के फाइलें. हम सब एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हरा कर दिखाएंगे. हराओगे हमको. अरे हमारी स्मृति दीदी ना तुमको वायनाड में घुसकर भी वहीं हरा दे गई, वहां भी जाकर. हराने की बात तो तुम छोड़ दो, अपना बचा लो पहले. हिंदुस्तान में आग लगेगी, मैंने कोविड की बात की थी, याद रखो. मैं बता रहा हूं, जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे, जितना ही हमारे स्टेट्स के बीच में, धर्मों के बीच में, जातों के बीच में कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे, दबाएंगे, उतनी जोरों से आग लगेगी देश में. अरे राहुल बाबा, आग तो आप पे लगी है, आग तो विपक्ष में लगी है. अरे कौन कॉन्वर्सेशन रोक रहा है, किसने कॉन्वर्सेशन रोकने को बोला है, क्या बात कर रहा है आज पूरा देश है. अरे अपने इतिहास के बारे में बात कर रहा है, हैं? अगर हम बुलडोजर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम तेजो महल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम ज्ञानवापी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या गलत बात कर रहे हैं.
अपने इतिहास के बारे में बात नहीं करें क्या? आग लगी आप लोग को, आग इसलिए लगी है कि ये सब चुटर-पुटर चीजें, ये छोटी मोटी चीजें, इन्फ्लेशन वगैरह, जॉब, इंप्लॉयमेंट, जीडीपी, अरे ये सब चीजें ठीक हो जाएंगे। पहले देश को ठीक करेंगे, पहले इतिहास को ठीक करेंगे, फिर ये सब छोटी मोटी चीजें देखेंगे। और आपको आग लग रही है, आग। हमने कभी कभी भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण नहीं किया। हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को छुपा छुपा कर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं डाला। क्या आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रही है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ है राहुल बाबा। सुबह झूठ बोलो, शाम को झूठ बोलो, रात को झूठ बोलो, हैं? भूल गए इमरजेंसी? दादी ने लगाया था तुम्हारे इमरजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में किसने जज बैठाए थे? इंस्टीट्यूशन को किसने खत्म किया था? अरे राहुल बाबा, हम तो आप ही के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, बस आपसे अच्छा काम कर दिए और क्या है। ये सब अंडरसंड बातें मत करो। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आसान है। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती। रीजनल पार्टीज कोई किसी जात की है वो सब की नहीं है। यही एक पार्टी है जो पूरे देश की पार्टी है। बाबा राहुल बाबा, क्या गजब कॉन्फिडेंस है, हैं? आई काम करते हैं राहुल बाबा, 2024 में आपको भी रीजनल पार्टी बनवा देते हैं। आपकी बड़ी मनसा है, हम बनवा देते हैं आपको, चिंता मत करिए। वैसे में भी क्या है, 40-50 में बैठे, 20-30 में करवा देते हैं आपको भी, बन जाओगे रीजनल पार्टी, हैं? दो ही स्टेट हाथ में रखे हुए हो, नेशनल पार्टी बन के फिर रहे हैं, फुर, हैं? पीकॉक बन जाओ। तो मैं आपको ये कहना चाहता था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम सड़क पे उतरेंगे। अबे सड़क पे, अरे सड़क पे तुम नहीं उतरोगे, सड़क पे हम आपको उतार देंगे, आप चिंता मत करो। एंड आई थिंक वी शुड हैव दीस डिस्कशंस मच मोर ऑफन, मच मोर सिस्टमैटिकली। इट अलाउज the Congress party to come together. It allows us to feel like a family. It allows us to talk to each other. So I'd like to thank all of you for coming here today. Namaskar. Jai Hind. यही प्रॉब्लम है, ये राहुल टाइप, ये इटाली वाले प्रॉब्लम्स यही है, फैमिली, फील्स लाइक फैमिली। अरे ये फैमिली वाली फीलिंग तो हमें हमेशा आती रहती है, हम रोज जाते हैं शाखा, हमें तो रोज फैमिली वाली फीलिंग आती है। ये परिवार वाली फीलिंग तुमको पहले नहीं आई थी, बिकॉज तुम संस्कृति फॉलो नहीं करते हो, इसलिए फैमिली वाली फीलिंग है ही नहीं, इसलिए हालत है तुम्हारी। हालत में टाइम बर्बाद कर दिया, क्या अच्छा खासा न्यूज चैनल देख रहे थे। एडिटर बंद कर यार इसको, समय बर्बाद कर दिया। अच्छा सुनो, हम जा रहे हैं अभी शाखा थोड़ा सा, और वो शाम को अर्नब बोला, वो बहुत दिनों से कुछ चिखम चिल्ला नहीं हुआ डिबेट में, तो कह रहा था आ जाओ, तो हम आ जा रहे हैं, ठीक है ना, चलो ओके। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।